हेलो गाइस, आज हम रिकर्जन की मदद से फिगर की सीरीज बनाना सीखेंगे और आज मैं आप लोगों को ट्री की मदद से समझाऊंगा कि फिगर की सीरीज कैसे बनती है रिकर्जन में, रिकर्जन के थ्रू। तो पहले हम ये जानते हैं फिगर की सीरीज होती क्या है। तो ये एक सीरीज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। अब मैं इसका लॉजिक समझा दे रहा हूँ कि सीरीज कैसे चल रही है। तो ये सीरीज पिछले दो टर्म का सम लेके चल रही है। तो जैसे 1 है तो 1 प्लस 0 1, 2 है तो 1 प्लस 1 2, 3 है 2 प्लस 1 3, 5 है तो 3 प्लस 2 5। तो जो ये सीरीज है वो अपने आगे के दो नंबर का सम ले रही है। तो अभी अगर हम 0 और 1 की बात करें, 0 और 1 कैसे आया है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि 0 और 1 हमें सीरीज में चाहिए ही चाहिए, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट नंबर को निकाल सकें। तो रिकर्जन में हमें पता है कि रिकर्जन में हमें दो कंडीशंस लिखनी होती हैं, एक बेस कंडीशन होती है और एक रिकर्सिव कंडीशन होती है। तो हमारे बेस कंडीशन में तो हमें कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि हमें 1 और 0 मिल जाए, और रिकर्सिव कंडीशन कुछ ऐसी लिखनी है कि जिससे कि अगर हमें 1 निकालना है तो पिछले दो टर्म का सम ले ले, दो टर्म का सम ले ले और उसे रिटर्न कर दे। तो अगर हम बेस कंडीशन की बात करें, तो अगर हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर को अगर हम इक्वल टू 0 रख दें और रिटर्न करवा दें 0, या फिर उसको n इक्वल टू 1 रख दें, रिटर्न करवा दें 1, मतलब अगर वो 0 हो तो रिटर्न कर दे 0, अगर 1 हो तो रिटर्न कर दे 1। बेस कंडीशन में सिर्फ हम ये दो चीज़ लिखेंगे ताकि पहले वो 0 और 1 दे दे। बेस कंडीशन कब, बेस कंडीशन क्या होती है रिकर्जन में, बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर देता है और वैल्यू को रिटर्न करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले 0 रिटर्न करवाया है और उसके बाद हमने 1 रिटर्न करवाया है। तो मैं हमने फंक्शन को सबसे पहले 0 पे ही रोक दिया है कॉल करना और रिटर्न करवा दिया 0, जिससे कि हमारे पास 0 आ जाए, और फिर हमने 1 पे रोक दिया ताकि हमने रिटर्न करवा दिया हमने 1 ताकि हमारे पास 1 आ जाए। अब इसकी मदद से हम नेक्स्ट टर्म को निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म निकालने की जो वो होती है, उसे नेक्स्ट टर्म निकालने की जो कंडीशंस होती है उसे हम रिकर्सिव कंडीशन कहते हैं। तो रिकर्सिव कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो देखो रिकर्सिव कंडीशन लिखने के लिए हम सोचते हैं कि हमें पिछली दो टर्म चाहिए। तो पिछली दो टर्म कैसे निकालेंगे, हमारे पास जैसे कि एफ नाम का फंक्शन है और एन नाम का नंबर है, तो हम फंक्शन के एक पीछे कॉल कर लेते हैं कि एक पीछे वाली वैल्यू दे दो और प्लस एक उससे भी पीछे वाली वैल्यू दे दो, मतलब 0, तो एन माइनस 2। तो हमने, हमारे पास रिकर्सिव कंडीशन ये हो गई। तो अब हमने ये तो लॉजिक लगा लिया कि हमारे पास बेस कंडीशन क्या होगी और रिकर्सिव कंडीशन क्या होगी। तो चलो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं और पूरी सीरीज को समझते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है और हमने इसमें बेस कंडीशन वही लिखी है जो हमने पहले बात करी थी, इफ एन इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर दे वो 0, सॉरी इफ एन इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर दे 1, और एल्स में जाए और फंक्शन को कॉल कर दे अगर 1 और 0 ना हो तो। तो हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है जिसमें हमने आई को 0 रखा है और आई को इंक्रीमेंट करवा के हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवाया है। तो अभी आई इज इक्वल टू 0 होगा और चेक करेगा क्या आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन होगी ट्रू, और फीवो में जाएगा, फीवो आई कर देगा, मतलब फीवो 0 कर देगा, और जैसे ही फीवो 0 होगा मतलब एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ऊपर जाकर चेक करेगा क्या एन इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी ट्रू और रिटर्न कर देगा 0, तो वो 0 के लिए 0 रिटर्न कर देगा। हम अपना आउटपुट यहाँ लिखते चलते हैं साथ ही साथ। तो आउटपुट हमारा अभी आ गया है 0। अब नीचे आएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, आई प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1, अब आई की वैल्यू हो गई है 1, ऊपर जाके चेक करेगा क्या आई इज लेस देन 5 है, कंडीशन होगी ट्रू, फिर वो आई कर देगा मतलब 1 कर देगा, एन की वैल्यू हो गई है 1, ऊपर जाके चेक करेगा क्या एन इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, फिर एलिफ में जाएगा चेक करेगा क्या एन इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी ट्रू, और वो 1 के लिए 1 रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास आउटपुट जो आया है वो है 1। अभी आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई प्लस 1 मतलब कि 1 प्लस 1 2, आई की वैल्यू हो गई है 2, अब चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन होगी ट्रू, अंदर आएगा और फिर वो आई कर देगा मतलब फिर वो 2 कर देगा, एन की वैल्यू हो गई है 2, अब ऊपर जाके चेक करेगा क्या एन इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू हो गई अभी 2 हमारे पास 2, चेक करेगा एलिफ में जाकर क्या एन इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स, एल्स में जाएगा और फीवो को कॉल करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1,
ऊपर जाके चेक करेगा क्या 1 इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्या 1 इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी ट्रू, और वो 1 के लिए रिटर्न कर देगा 1, रिटर्न कर दिया 1। अब ये कंडीशन मतलब फेवर ये वाला सॉल्यूशन, इसका जो लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ राइट साइड में जाएगा और n की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 2 जीरो, तो फेवर जीरो हो गया। ऊपर जाकर चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी ट्रू, रिटर्न कर देगा 0, तो फेवर 0 के लिए उसने रिटर्न कर दिया 0। और 2 के लिए उसे रिटर्न करना था इसका सम और इसका सम 0 प्लस 1, मतलब कि 1 के लिए उसने रिटर्न किया था 1 और 0 के लिए रिटर्न किया उसने 0, तो 1 प्लस 0 1, तो उसने 2 के लिए रिटर्न कर दिया 1, तो अब हमारे पास आउटपुट हो गया 1। अब i की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट, i प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3। अब ऊपर जाके चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन होगी ट्रू, फेवर 3 कर देगा, मतलब n की वैल्यू हो गई है अब 3, अब n की वैल्यू हो गई है 3, n की वैल्यू 3 हो गई है। अब ऊपर से चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्या n इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स, उसके बाद else कैंड में जाएगा और फेवर n माइनस 1 करेगा, फंक्शन को फिर से कॉल करेगा 3 माइनस 1 मतलब 2, तो अब 2 को कॉल करेगा, अब n की वैल्यू हो गई 2। ऊपर से चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्या n इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स, फिर else में जाएगा और माइनस 1 कर देगा, 2 माइनस 1 तो 1 कर देगा। अब 1 के ऊपर जाके चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्या n इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी ट्रू, और 1 के लिए वो रिटर्न कर देगा 1। उसके बाद अभी n की वैल्यू 2 ही है, 2 है, तो 2 माइनस 1 1 के लिए उसने 1 रिटर्न कर दिया। अब लेफ्ट साइड में सॉल्व हो चुका है फंक्शन, राइट साइड में फंक्शन में जाएगा, 2 माइनस 2 करेगा, अभी n की वैल्यू हमारे पास 2 ही है, ये हमें ध्यान रखना है, 2 माइनस 2 करेगा 0, तो अब n की वैल्यू हो गई 0। ऊपर जाकर चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी ट्रू, और 0 के लिए रिटर्न कर देगा 0, तो अब उसके पास हो गया है 2 के लिए 1 और 0, 1 प्लस 0 तो 1, तो 3 माइनस 1 2, 2 के लिए इसने 1 रिटर्न कर दिया है, लेफ्ट साइड का फंक्शन सॉल्व हो चुका है, 3 माइनस 2 1, तो 1 के लिए वो वापस जाएगा ऊपर और चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 1 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्या n इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी ट्रू, रिटर्न कर देगा 1, तो 3 के लिए उसने रिटर्न कर दिया 3 माइनस 1 2, 2 के लिए उसने 1 रिटर्न किया है, 3 माइनस 2 1, 1 के लिए उसने 1 रिटर्न किया है, तो 1 प्लस 1 2, तो उसने 3 के लिए 2 रिटर्न कर दिया, तो आउटपुट हो गया हमारे पास 3। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 3 प्लस 1 4, अब i की वैल्यू हो जाएगी 4, और ऊपर जाके चेक करेगा क्या 4 इज लेस देन 5 है, कंडीशन होगी ट्रू, फेवो हो जाएगा 4, आई फेवो आई मतलब 4, एन की वैल्यू हो गई है 4। अब चेक करेगा क्या एन इजल टू इजल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्या एन इजल टू इजल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स, एल्स में जाएगा और चेक करेगा 4 माइनस 1 3, क्या 4 माइनस 1 3, तो 3 के लिए वो चेक करेगा क्या हमारे पास 3 के लिए वैल्यू है, तो उसके पास 3 के लिए वैल्यू है अभी 2, तो उसके पास 3 के लिए वैल्यू है 2, तो लेफ्ट साइड का फंक्शन मतलब लेफ्ट साइड के फंक्शन का आंसर है उसके पास, तो राइट साइड के फंक्शन में जाएगा और फिर कॉल करेगा 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 तो 2 के लिए उसके पास क्या वैल्यू है, तो 2 के लिए उसके पास वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अपने से एक पीछे का आंसर रखता है, उससे ज़्यादा पीछे का आंसर नहीं रखता है, तो 4 माइनस 2, अब वो 2 को कॉल करेगा फंक्शन 2 को, तो अब फेवर 2 हो गया है, अब फंक्शन 2 को कॉल करेगा, n की वैल्यू 2 है, चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, n इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स, फिर एल्स में जाएगा और 2 माइनस 1 करेगा तो हो जाएगा 1। अब वो 1 के लिए चेक करेगा क्या 1 इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्या 1 इक्वल टू इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी ट्रू, और रिटर्न कर देगा 1, तो उसने 1 के लिए रिटर्न कर दिया 1। अब उसने लेफ्ट साइड में सॉल्व कर दिया है, अब वो राइट साइड में जाएगा और 2 माइनस 2 करेगा 0, तो अब n की वैल्यू हो गई 0। अब ऊपर जाके चेक करेगा क्या n इक्वल टू इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी ट्रू, रिटर्न कर देगा 0। अब 2 के लिए उसने जो रिटर्न किया है वो किया है 1 प्लस 0 1, और उसे 4 के लिए चाहिए था 4 माइनस 1 3 का आंसर, तो 3 का आंसर है 2 हमारे पास, तो 2 प्लस 4 माइनस 2 2 के लिए उसने रिटर्न किया है 1, 3 के लिए उसने रिटर्न किया था 2, और 2 के लिए उसने रिटर्न किया है 1, तो मतलब 4 के लिए उसने रिटर्न कर दिया 3। अब हमारे पास आउटपुट आ गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 4 प्लस 1 होगा 5,
ऊपर जाके चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5 है, कंडीशन होगी ट्रू 5 इज इक्वल टू 5 है तो यहां पे आएगा फीवो आई कर देगा, मतलब फीवो 5 कर देगा। अब n की वैल्यू हो चुकी है 5, अब n की वैल्यू हो चुकी है 5 और वो चेक करेगा क्या 5 इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स। क्या 5 इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स। वो एल्स में जाएगा और 5 माइनस 1 कर देगा 4। अब वो 4 के लिए चेक करेगा क्या उसके पास 4 के लिए 4 के लिए उसके पास रिटर्न वैल्यू है, तो वो ऊपर जाके चेक करेगा तो 4 के लिए उसके पास 3 रिटर्न वैल्यू है। हमारे पास हमेशा ये ध्यान रखना है कि फंक्शन में जब भी हम रिटर्न करवाते हैं कोई भी वैल्यू तो उसके पास एक मतलब सिर्फ जब हम पीछे देखते हैं तो उसके पास पीछे की सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न वैल्यू रहती है और उससे पीछे की रिटर्न वैल्यू नहीं रहती है। तो 5 माइनस 1 4, 4 के लिए उसके पास 3 रिटर्न वैल्यू है। लेकिन अगर वो चेक करे कि ये फंक्शन हमारे पास सॉल्व हो चुका है तो अगर वो नेक्स्ट फंक्शन को सॉल्व करता है राइट वाले फंक्शन को फिवो एन माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 3, तो क्या 3 के लिए उसके पास आंसर है, तो 3 के लिए उसके पास आंसर नहीं है, उसके पास रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो वो रिटर्न 3 के लिए चेक करेगा कि क्या 3 इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स। क्या 3 इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स। फिर आएगा और लेफ्ट में जाएगा 3 माइनस 1 2 कर देगा। अब 2 के लिए चेक करेगा क्या 2 इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स। 2 इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी फॉल्स। फिर वो नीचे आएगा 2 माइनस 1 कर देगा तो 1, और 1 के लिए चेक करेगा क्या 1 इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स। क्या 1 इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी ट्रू। 1 के लिए रिटर्न कर देगा 1। अभी हमारे पास n 2 ही है और 2 के लिए चेक करेगा 2 माइनस 2 तो 0, 0 के लिए ऊपर जाके चेक करेगा कंडीशन होगी ट्रू, n इक्वल टू 0 रिटर्न कर देगा 0, तो 2 के लिए उसने रिटर्न कर दिया 1, 1 प्लस 0 1। और 3 के लिए रिटर्न करेगा 3 माइनस 1 2, 2 के लिए उसके पास रिटर्न वैल्यू है 1 और 3 माइनस 2 1, तो 1 के लिए रिटर्न करेगा, ऊपर जाके चेक करेगा क्या 1 इक्वल टू 0 है, कंडीशन होगी फॉल्स। क्या 1 इक्वल टू 1 है, कंडीशन होगी ट्रू, तो 1 के लिए रिटर्न कर देगा 1। और 3 के लिए रिटर्न कर देगा 3 माइनस 1 2, 2 के लिए रिटर्न किया था उसने 1, 3 माइनस 2 1, 1 के लिए इसने रिटर्न किया था 1, तो 1 प्लस 1 2, तो उसने 3 के लिए रिटर्न कर दिया 2। अब वो 5 पे जाएगा और 5 के चेक करेगा 5 माइनस 1 4, तो उसने 4 के लिए रिटर्न किया था। अभी हम अगर चेक करें तो 4 के लिए इसने रिटर्न किया था 3 और 5 माइनस 2 3, 3 के लिए इसने रिटर्न किया 2, तो 3 प्लस 2 5, 5 के लिए इसने रिटर्न कर दिया 5। अब हमारे पास आउटपुट जो आ गया वो हो गया 5। अब ऊपर अब नीचे आएगा यहाँ पे और इंक्रीमेंट करेगा 5 प्लस 1 6, ऊपर जाके चेक करेगा क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन होगी फॉल्स और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा ब्रेक। प्रोग्राम ब्रेक होते ही हमें यह आउटपुट मिल चुका है पूरा। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने पहले समझा था कि हमारी जो सीरीज होती है फिबोनाची सीरीज वो थी हमारी ये 0 1 1 2 3 5, तो हमने देखा था कि पिछले दो टर्म का सम जो होता है वो नेक्स्ट टर्म होती है, तो 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। क्या यही सीरीज हमारे पास है, तो हम अगर चेक करते हैं इसे तो हमारे पास सेम वही सीरीज आ रही है, मतलब हमारे पास फिबोनाची सीरीज का ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। और थैंक यू गाइस समझने के लिए।